वोकल न्यूज शेड्यूल के साथ वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ें, रोजगार और प्रशिक्षण का मौका पाएं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शेड्यूल। यूं तो देश के प्रधानमंत्री साफ सफाई को लेकर कई योजनाएं प्रस्तुत करते हैं और साथ ही साथ प्रदेश भी गंदगी से जिले को मुक्त कराने की बात करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, ये इस केस में पता लगता है, जहां अधिकारियों की लापरवाही फिर एक बार झलकती हुई नजर आने लगी है। कोतमा रोड में सोन नदी के पास स्थित नवीन संयुक्त कलेक्टोरेट भवन में अन्य विभागों के साथ साथ नगर पालिका का उच्च कार्यालय डूडा का ऑफिस भी है, जिस कारण डूडा के अधिकारियों का रोज यहां से आना जाना लगा रहता है। रोज में गौर फरमाइएगा दर्शकों, रोज अधिकारियों का यहां से आना जाना लगा रहता है, लेकिन बात कुछ हजम नहीं हो रही कि उनके द्वारा यहां फैली हुई गंदगी व कचरे पर नजर क्यों नहीं डाली जा रही। और बात सिर्फ इसी एरिया की नहीं है, बल्कि पुलिस अधीक्षक निवास के पास भी हाल कुछ ऐसा ही है। और इस स्थिति को देखते हुए ये कह पाना कोई गलत नहीं होगा कि नगर पालिका और अधिकारी अपनी सुध में है ही नहीं। आश्चर्य की बात तो ये है कि कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य नगर पालिका अधिकारी समेत कई अधिकारी इसी मार्ग से होते हुए अपने अपने कार्यालय में पहुंचते हैं, लेकिन क्यों इनकी नजर इस ओर नहीं पड़ती, क्यों कोई ध्यान देता हुआ नजर नहीं आता, चिंता का विषय असल में है। ये हालत देख के स्पष्ट हो जाता है कि संबंधित अधिकारी साफ सफाई को लेकर कितने गंभीर हैं। सुंदरता और लोक संस्कृतियों की जीवंत उकेरी गई कलाकृतियों भी गंदगी में छिपी हुई है। इसके चलते नगर व जिला मुख्यालय के साथ साथ जिलेवासियों ने नवीन संयुक्त कलेक्टोरेट भवन के सामने तथा पुलिस अधीक्षक निवास के आसपास इस गंदगी को जल्द से जल्द साफ कराने की मांग जताई है। उम्मीद यही होगी कि प्रशासन अपनी नींद से जाग जाए और अपनी आंख खोल के अपने सफर तय करना स्टार्ट कर दे। धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।